हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो ये सेपरेशन हुआ है, तो इससे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको इस इंसान की याद नहीं आती, और ऐसा है कि अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ रहे हैं, इनका वेट भी नहीं कर रहे और खुश भी हैं। तो ये सब ये देख रहे हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, इसलिए इनको यही समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके बिना भी। इस सेपरेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। जो भी दुख हुआ है, जो भी परेशानी हुई है, वो इन्हीं को हुई है, ऐसा ये सोचते हैं। इनको लगता है गाइस कि ये स्टक हो गए हैं, ये अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ आ पा रहे हैं, और आप कोई अप्रोच भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो इनके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनका ऐसा है गाइस कि आपसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरह जो बातचीत बंद हो गई उसको ये शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन वही है कि ये जब देखते हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, तो फिर ये खुद को रोक लेते हैं। इनको लगता है कि आपको अभी अप्रोच करना सही नहीं है, और इनको ये भी लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वही है गाइस कि आपके पर्सन स्टक दिखाई देते हैं, ना कोई ये एक्शन ले पा रहे हैं, ना ही कोई ये डिसीजन ले पा रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इनके ईगो की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये इंसान घमंड में रहे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, और आखिर में वही हुआ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच लिए, इनसे अब दूर रहना ही आप सही समझते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा था कि अपनी गलती मान भी नहीं रहे थे, ना ही ये झुकने को तैयार हो रहे थे। तो इसलिए आपने भी अब इनसे अलग हो जाने का फ़ैसला किया, और अब आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, और ऐसा है कि खुद पर ध्यान देते हैं। तो अब ये सब जब ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं इनके बिना भी, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनके ईगो की वजह से एक अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया है। इनकी ही वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और इनका साथ आपने छोड़ दिया। पहले ऐसा था गाइस कि दो चार दिन बात नहीं हुई तो आप खुद ही इनसे बात कर लेते, इनको आपके सामने झुकना नहीं पड़ता था, भले ये चाहे जितने भी गलत रहें। और अब ऐसा है कि अब आप अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे, अब आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहते, तो ये सब देखकर अब ये इंसान घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो यही घमंड था कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, चार दिन बात नहीं भी हुई तो आप खुद ही इनके सामने झुकोगे, इनसे माफ़ी मांग लोगे बिना गलती के भी। ये आदत इनकी लगी हुई है। अब ये देख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से तो पहल कर ही नहीं रहे हैं, आप तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे आपको अभी इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये क्या हो रहा है कि घबरा रहे हैं, अब ये डर रहे हैं कि कहीं आपने इनको हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिया, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये सब डर अब इनके अंदर आया है। आपके पर्सन ऐसा करना चाहते हैं गाइस जिससे आपका ध्यान इन पर जाए, कुछ तो भी ऐसा ये करना चाहते हैं ताकि आप इनकी तरफ ध्यान दो, और फिर से ऐसा है कि कोई पहल करो अपनी तरफ से ताकि इनको आसानी हो जाए आपसे बात शुरू करने में, क्योंकि ये तो ऐसे डर भी रहे हैं आपसे, पास की गलतियां इन्हें याद आती हैं तो इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, तो ये डर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ये करें, ऐसे कोई हो सकता है कि कोई स्टेटस वगैरह लगाकर कुछ भी ऐसा आपको चिढ़ाने के लिए, कह दीजिए जलाने के लिए, कुछ तो भी ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कुछ ये करें जिससे आप खुद ही चिढ़ जाओ या खुद ही जलो, और इनसे सवाल करो, इनको खुद से फ़ोन करो, इनको कॉल मैसेज करो और इनसे सवाल जवाब करो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ऐसा है गाइस कि जब ये हाईली इमोशनल होंगे तब कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे, अभी तो ऐसा है कि खुद को रोक लेते हैं आपको खुश देखकर और किसी तरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन आगे ऐसा दिखाई देता है कि ये कॉन्टैक्ट तो आपसे करेंगे, ये ज़्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं सकते। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे और किसी तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे कि ये रिश्ता किसी भी तरह ठीक हो जाए, अभी आने वाले टाइम में ऐसा भी करेंगे क्योंकि ये रोक नहीं पाएंगे खुद को,
क्योंकि इनका ऐसा है गाइस कि आपके ध्यान को खींचने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप ही बात शुरू कर दें तो इनको आसानी हो जाएगी। और जब ये देखेंगे कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो फिर ये खुद ही प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक वेट ये अब कर भी नहीं सकते। और ये काफ़ी ज़्यादा जेलिस होते भी यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए इनको यही अभी भी कुछ के पर्सन को यही लगता है, कुछ के पर्सन को आगे यही लगेगा कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं। इस वजह से इनके बिना आप इतनी ज़्यादा खुश रह पा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये जेलिस भी होंगे। और इस वजह से ये ऐसा है कि आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे और उसके जवाब ढूंढने के लिए ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं आप अपने आप को रोकने की कि मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, जो कुछ करना है वो इंसान करे, वो पहल करे, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये इंसान, क्योंकि आप भी अपने आप में बदलाव लाएंगे नहीं, आप तो कॉन्टैक्ट इनसे अब करेंगे नहीं पहले से, तो इनको किसी भी तरह मजबूरी में ही सही आपसे कॉन्टैक्ट खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा भी है। और देखिए हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी स्टक हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली भी है अगर, तो ये इंसान अभी वहाँ पर स्टक हैं। और देखिए फ्यूचर में ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए ही इनको इनका कर्मा भी फेस करना पड़ेगा। जो कुछ आपके साथ किया या किसी के भी साथ जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, तो कर्मा ये फेस करेंगे थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। और ये थर्ड पार्टी से भी निकलते हुए नज़र आते हैं। कुछ के पर्सन तो निकल चुके हैं और कुछ के पर्सन अभी भी स्टक हैं थर्ड पार्टी में, तो ये वहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कर्मा पहले ये अपना फेस करेंगे, फिर ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये परेशान रहेंगे, ऐसा भी है। कुछ के पर्सन के साथ अभी ये सब हो रहा है, तो ये वहाँ से भी निकलेंगे और वहाँ से निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ हैं तो कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये आप मत सोचिए। ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। और इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ऐसा दिखाई देता है। आप भी समझौता करेंगे और वो इंसान भी समझौता करेंगे आपके साथ, ऐसा यहाँ पर फ्यूचर में होने वाला है। कोई किसी तरह से ऐसा नहीं कि अकड़ दिखाएगा या कोई किसी को अपने सामने झुकाएगा या कंट्रोल में रखना चाहेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। समझौता होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करेंगे और वो इंसान भी करेंगे, ऐसा है। और ये रिश्ता सही होगा और फ्यूचर में आप दोनों साथ आगे भी बढ़ पाएंगे और वो इंसान थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। और ऐसा है कि देखिए आपको ऐसा है कि कुछ भी सोच कर निगेटिव होने की बस ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी करना है। और किसी भी तरह से कोई भी परेशानी है तो उसके लिए निगेटिव हो रहे हैं या कुछ सही नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।